एक बार जोर से बोलिए, श्री राधा रमण लाल की। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। निमाई पाठशाला प्रस्तुत करता है जगाई मधाई उद्धार। पिताजी, कौन हरी कौन है जिनकी हम प्रतिदिन पूजा करते हैं? आजानु लंबित भुजो कनकावदात संकीर्तने कपितरो कमलायताशु विशंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार। आज से 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में फाल्गुन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गौर हरि के रूप में जगन्नाथ मिश्र और शची मैया के घर में जन्म लिया था। पिताजी, भगवान ने दोबारा क्यों जन्म लिया? कलयुग में युग धर्म जो कि हरि नाम संकीर्तन है उसकी स्थापना के लिए ही उनका आविर्भाव हुआ। श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर हरि ने अपनी अपार करुणा के साथ बिना भेदभाव के पात्र कुपात्र का विचार किए बिना कृष्ण प्रेम को सभी जीवों को प्रदान किया। अच्छा पिताजी, और क्या क्या किया श्री गौर हरि ने? उन्होंने दुष्टों को दूसरे अवतारों की तरह मारा नहीं बल्कि उनको भी हरि नाम का दान देकर उनका उद्धार किया, उनके मुख से भी हरि नाम का उच्चारण कराया। किनका उद्धार किया उनने पिताजी, मुझे विस्तार से बताइए ना। चलो मैं तुम्हें एक लीला सुनाता हूँ, दो दुष्ट ब्राह्मण कोतवालों की, जिनका नाम था जगाई और मधाई। एक दिन श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन करते समय
श्री गौर हरि को एक भाव आया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol। प्रभु, आप किसी चिंता में लगते हैं। प्यारे नित्यानंद, कुछ दिनों से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। पर इसका क्या कारण है प्रभु? कली के जीवों की दशा को देखकर मेरा मन अत्यंत शोक युक्त हो रहा है। तो आपकी क्या इच्छा है प्रभु? अब घर के भीतर कीर्तन करते रहने से काम नहीं चलेगा। समय आ गया है कली के जीवों के उद्धार करने का। प्रभु, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। कलयुग में हरि नाम की महिमा का प्रचार तो अवश्य ही होना चाहिए। बिल्कुल सत्य कहा नित्यानंद प्रभु ने। हरि नाम ही हम जैसे पापी अधमों का सहारा है, हमें तारने वाला है। मेरी एक इच्छा है और उसे केवल आप दोनों ही पूर्ण कर सकते हैं। प्रभु आज्ञा दें। आप लोग नित्य घर घर जाकर हरि नाम की भिक्षा मांगे। नदिया के हर व्यक्ति के मुख पर हरिनाम हो। अति कृपा प्रभु, अति कृपा, हम अवश्य ही हरिनाम की भिक्षा मांगने जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मांगेंगे प्रभु। इसके अलावा मांगने को और कुछ बचा भी नहीं है, यही परम धन है। बहुत सुंदर। संध्या समय आकर भिक्षा में क्या मिला मुझे बताएं। जो आ गया प्रभु। फिर उन दोनों ने क्या किया? वे दोनों महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर घर घर जाकर हरि नाम कीर्तन कराने लगे। एक एक का द्वार खटकाकर उनसे कृष्ण नाम बुलवाने लगे। क्या बुलवाने लगे पिताजी? भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में, जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। मैया,
मैया भिक्षाम देहि। अरे बाबा प्रतीक्षा करो, आती हूँ। हाँ बाबा, क्या चाहिए? क्यों सवेरे सवेरे दरवाजा खटखटा रहे हो? हमें भिक्षा दो मैया। अच्छा आप यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। लो बाबा ये ले जाओ। मैया हमको भिक्षा में ये नहीं चाहिए। अच्छा मैं देखती हूँ और क्या है। लो बाबा ये ले जाओ। मैया हमको ये भी नहीं चाहिए। अरे बाबा क्या चाहिए आपको फिर? मैया हमें हरिनाम की भिक्षा चाहिए। ये क्या होती है बाबा? भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। हैं? क्या? ये इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा दान है मैया। ये तो मेरे पास नहीं है, आप जाओ बाबा मुझे बहुत काम है। मैया नहीं मैया, तू तो करुणा मई है, केवल एक बार अपने मुख से हरी बोल। मैया तेरे पाव पड़ूं एक बार हरी बोल। अरे अरे बाबा क्यों मुझे अपराध देते हो? अच्छा आप उठ जाइए, मैं बोलती हूँ, बताओ क्या बोलना है। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, माँ ले श्री हरि का नाम रे। माँ ये आप क्या गा रही हो? मैंने तो पहले ये कभी नहीं सुना। हाँ आज सवेरे बड़ी विचित्र लीला हुई, दो साधु आए भिक्षा मांगने लगे, अन्न फल दिया तो लिया नहीं, कहते भिक्षा में केवल एक बार यह कह दो। क्या मैया? भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। Ah
है सुंदरी। साची कहो मोसे बतिया बतिया, साची कहो मोसे बतिया पिया, चल नाच नाच। तेरे ठुमके पे मारी जाओ कहां गवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाँ? हमारा समय बर्बाद मत करो, सारा मजा खराब कर दिया। चल नाच नाच। मैं कोशिश कर रही हूँ पर बार बार ये मधुर ध्वनि मुझे अपनी ओर खींच रही है। क्या तुम दोनों को ये ध्वनि नहीं सुन रही? हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम, हमारे आनंद में रुकावट डाल रहा है। जप हरे कृष्णा, मैं देख के आता हूँ कौन है बाहर। अरे नहीं नहीं मुझे छोड़ दीजिए। तुझे कैसे छोड़ दे सुंदरी? नहीं नहीं। अरे ये तो मेरी रानी है। नहीं ये तो मेरी रानी है। पीछे हट जा। नहीं जगाई तू पीछे हट जा, ये तो रानी मेरी बनेगी। हट। नहीं तू हट। जगाई तू हट जा, हट जा तू। मदाई मेरी बात सुन ले, हट जा यहाँ से। नहीं तू हट। इनसे तो हरिनाम अवश्य ही बुलवाना होगा। प्रभु देखिए ना, इन्हें हरिनाम की कितनी आवश्यकता है। श्रीपाद, उस बर्र के छत्ते में जानबूझकर हाथ ना डालें, ये अत्यंत क्रूर हैं। हरिदास, प्रभु ने सभी से हरिनाम कहलवाने की आज्ञा दी है, और पापियों से तो विशेष रूप से। जो जितना अधिक रोगी होता है उसे औषधि की भी तो उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है। चलो प्रभु, इनसे हरिनाम बुलवाते हैं। प्रभु, इन्हें देखकर क्या आपको लगता है कि ये हरिनाम बोलेंगे? ये कहेंगे तो ठीक, और अगर ना कहें तो हम इन्हें सुना तो देंगे ही। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे। कौन हो तुम? जानते नहीं जगाई मधाई को? ठहरो अभी बताते हैं। अरे ध्यान से देख, यहीं कहीं होंगे दोनों। पिताजी, ये लीला तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर क्या हुआ?
क्या जगाई मदाई ने उन दोनों को पकड़ लिया? नहीं, जगाई मदाई उन दोनों को ढूंढते रहे और वे दोनों अपनी जान बचाकर दौड़ते हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पास हाफते हुए पहुंचे। श्रीपाद, क्या बात है, आप दोनों इतने भयभीत क्यों हैं? कौन है ये जगाई मधाई? आप अंतर्यामी हैं प्रभु, हम कहां तक कहे उनके अत्याचारों की बातें? जानता हूं, उन्हें अभी यमपुरी पहुंचाता हूं। नहीं प्रभु, आपका पतित पावन नाम तो तभी सिद्ध होगा ना, जब आप इन दोनों का वध ना कर इन दोनों का उद्धार करेंगे। महाप्रभु, मैंने संकल्प किया है कि आपसे इनका उद्धार करवाकर ही रहूंगा। श्रीपाद, जब आपने उनके उद्धार की कामना की ही है तो समझो उनका उद्धार हो गया। सच कहूं तो उनका उद्धार तो तभी हो गया था जब उन्होंने आप श्री के दर्शन किए। श्रीमन महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री हरिदास ठाकुर की जय हो। क्या उनका उद्धार हुआ फिर? हाँ, जगाई मधाई ने अपने थाने का डेरा महाप्रभु के घर के निकट उस घाट पर डाला जिस पर महाप्रभु और उनके भक्त स्नान करने आया करते थे। भक्तों में डर छा गया। श्री नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई के उद्धार का अच्छा अवसर समझा और जानबूझकर एक दिन नगर कीर्तन कर लौटते समय वे उनके पास से होकर निकले। चल हमारा कर निकाल। छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो। रुकिए, ऐसा मत करिए। देखो तुम्हें बचाने कौन आया है, तुम्हारा रक्षक। ये हमें मारने आया है, देखो मैं कितना कांप रहा हूँ। हमें क्षमा करो गुरुजी। भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरी बात सुने। हम आपकी बात को सुन रहे हैं, हमें भी ज्ञान दीजिए जो पूरी नदिया को दे रहे हैं। हाँ मदाई, ये क्या कहते हैं घर घर जाके कि हमें भिक्षा दे दो, कि हमें भिक्षा दे दो। ये लो तुम्हारे लिए भिक्षा लाए हैं, ये लो पियो इसे, पियो, ये लो पी लो इसे। भाई भाई, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया एक बार तो अपने मुख से हरि का नाम बोलो। हरी हरी, ये क्या हरी हरी लगा रखा है, आज छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आप क्रोध ना करें भाइयों, मैं तो केवल भगवान द्वारा दी गई आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। केवल आप दोनों से एक बार हरी नाम बुलवाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, हरी नाम ही परम धन है, हमें तारने वाला है। भगवान कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं, वे तुम्हारे माता पिता भाई सब कुछ वही हैं। एक बार तो मेरे साथ बोलो ना। हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब तू चुप कर जा। अब्दुल, मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूँ, एक बार तो कह दो भाई। तू चुप करेगा कि नहीं? आज मैं तुझे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। भाई एक बार तो कह दो, फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना ले लेना। तेरी इतनी हिम्मत, अब भी वही कर रहा है, मुझे लगता है मजाक कर रहे हैं।
ठहर जा, अभी बताता हूँ। भाई, अब तो आपकी मनोवांछा भी पूर्ण हो गई। देखिए, देखिए किस प्रकार मेरे माथे से रक्त बह रहा है। अब तो कृपया करके मेरी इच्छा भी पूर्ण करिए। अब तो एक बार हरि बोल बोलिए। अभी वही कर रहा है, ठहर जा, अभी बताता हूँ। मधाई रुक जा, अब क्या मार ही डालेगा इसे। नित्यानंद क्षमा करें, ये अबोध हैं। इन्होंने जो किया वह मदिरा के नशे में किया, विचार करके नहीं किया। प्रभु, इन दोनों के शरीर मुझे भिक्षा में प्रदान करें। सच कहूं तो नशे में मधाई दूसरी मटकी भी मारने जा रहा था, तब जगाई ने मुझे बचा लिया। इस प्रकार जगाई ने तो मुझ पर कृपा ही करी है प्रभु। क्या जगाई ने बचा लिया? आज नित्यानंद को बचाकर तुमने मुझे खरीद लिया जगाई। बताओ बताओ जगाई, तुम्हें क्या दे दूं मैं? आज से मैं तुम्हें अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करता हूं। श्री राधा रमण चरण रति रस। जगाई मेरी ओर देखो। मेरे जैसे पापी का उद्धार और कौन करे अब प्रभु? तुमने मेरे नित्यानंद पे प्रहार किया, मैं तुम्हें कदापि क्षमा नहीं कर सकता। क्या तुम जानते हो नित्यानंद का शरीर मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है, वे मुझे अति प्रिय हैं। तुम्हारा उद्धार कदापि नहीं हो सकता। तो मेरे उद्धार का क्या उपाय है प्रभु? मैंने सुना है आप तो करुणा निधान है, हर व्यक्ति को प्रेम दान करने आए हैं, उनके पापों को ना देखकर उन पर कृपा बरसाने आए हैं, तो मुझे इस कृपा से क्यों वंचित करते हो नाथ? तुम्हारा उद्धार हो सकता है यदि नित्यानंद तुम्हें क्षमा करें। तुम्हारे उद्धार का और कोई उपाय नहीं है। जाओ, श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लो। परम करुणा
बहुदुई जना मिता गौरचंद्र। मुझे क्षमा कर दो स्वामी, अपने विपरीत संस्कारों के कारण आपके स्वरूप को नहीं जान पाया स्वामी। मैं अनभिज्ञ था, आप मुझे स्वीकार करें। मधाई, आप मुझसे क्षमा न मांगिए। सच बात तो ये है कि मैंने ही आपको ऐसी परिस्थिति में डाला जिस कारण आपको बहुत क्रोध आया, पर मेरा लक्ष्य आप ही का कल्याण करना था। इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही परम कल्याणकारी है। प्रभु, यदि आप मधाई पर तभी कृपा करेंगे जब मैं उसे क्षमा करूंगा, तो आज मैं अपने जन्म जन्मांतर में किए गए पुण्यों को मधाई को देता हूं। हे करुणा सिंधु, पतित पावन प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये आपका ही है, आप इसे स्वीकार करें और अपनी कृपा इस पर परिवर्षित करें। मैं तुम दोनों के सभी दुष्कर्मों और पापों को स्वयं पर लेता हूं और तुम्हें इनसे मुक्त करता हूं। अच्छा पिताजी, क्या महाप्रभु जी ने उनके सारे पाप ले लिए? हाँ बेटा, देखते ही देखते जगाई और मधाई का तेज बढ़ गया और गौरांग महाप्रभु जी उनके संपूर्ण पाप स्वयं पर लेकर कुछ समय के लिए श्याम वर्ण के हो गए। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्विषे नमः। महाप्रभु जी तो बहुत करुणामयी है पिताजी, अब से मैं पूरा जीवन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की आरती स्वयं करूंगी, प्रतिदिन हरनाम संकीर्तन भी करूंगी। गौरांग बली ते हवे पुलक शरीर हरि हरि बली ते ना ज्ञान बाबनी राधा रमण रो विजयते।
जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। वंदेहम श्री गुरौ श्रीयुतपद कमलम श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। हमने महाराज श्री की कथा में बारंबार ये श्रवण किया है कि जब जब भगवान लीला करने के लिए अवतरित होते हैं तब न जाने कितने कोटि महापुरुषों को अपना पार्षद बनाकर उस लीला में सहायक होने का अवसर देते हैं। मैं आप सबने अभी जो भाव प्रस्तुति देखी, मैं इसमें पुनः एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, जो अभी अभी आपने देखा वो कोई प्रस्तुति नहीं थी, वो कोई प्ले नहीं था, वो स्वयं भगवान की लीला थी और भगवान ने स्वयं ही उसे संपादित किया है। हम सामान्य जनों में वो पात्रता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान की लीला कर सकें, पर भगवान स्वयं जब अपना चुनाव करते हैं तब वो स्वयं लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। ऐसा कहा जाता है, महाराज श्री की कथा में बारंबार सुना है कि हम जीवों में इतना विवेक नहीं कि हम हर समय अपने कर्मों का ध्यान रख पाएं। कहीं ना कहीं बहुत ध्यान रखते हुए भी गलत कर्म कर बैठते हैं, अपराध बना बैठते हैं। और हमारे ठाकुर जी बड़े पक्के हैं हिसाब के, पुण्य तो पुण्य और पाप तो पाप। पर जैसा कि आज की भाव प्रस्तुति में आपने देखा कि भगवान चाहे उस हिसाब में पक्के हों, पर अगर प्रेम किसी भगवान के पार्षद से हो जाए, अगर समर्पण किसी भगवान के पार्षद में हो जाए, अगर निष्ठा श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में हो जाए, तो ना जाने कितने भी गलत कर्म करके निरंतर कितने जन्मों तक भी शायद कर्म बंधन में बंध कर बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। पर अगर समर्पण श्री गुरुदेव के चरणों में हो गया तो निश्चित रूप से भगवान इतने गलत कर्म करने के बाद भी हमें स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तो मैं बारंबार अपनी इस अल्प बुद्धि से महाराज श्री के चरणों में, जो सच बताऊं तो जिन्हीं की ऊर्जा से, जिन्हीं की प्रेरणा से, जिन्हीं के ही उत्साह से हम ये भाव प्रस्तुति चाहे निमाई पाठशाला का क्रम हो, महाराज श्री ही इसकी ऊर्जा भी हैं, इसका ज्ञान भी हैं। और मैं उनके लिए जो बोलूं ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आप सभी लोग प्रतिदिन कथा श्रवण कर रहे हैं और जानते हैं कि भव सागर से तारने वाले तो केवल आप ही हैं महाराज जी। तो मैं बारंबार उनके चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हुए, मैया के चरणों में अपना खूब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, मम्मा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सबसे ये प्रार्थना करती हूँ कि ये बारंबार ध्यान रखें कि ये कोई सामान्य प्रस्तुति नहीं बल्कि स्वयं भगवान की लीला है। तो इसका उसी प्रकार से ही आप सभी चिंतन करें। और मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगी कि दो शब्द अगर महाराज श्री अपने मुख से बच्चों के उत्साह के लिए। निमाई पाठशाला, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि कोविड टाइम्स में महाराज श्री की प्रेरणा से ही ऑनलाइन एक स्कूल प्रारंभ हुआ था, जिसमें सूत्र स्तोत्र और शास्त्र इसका ज्ञान दिया जाता है। महाराज श्री उसमें हमें मार्गदर्शन करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम जो बालक हैं, बालक का अर्थ है जो 3 वर्ष से लेके आजीवन है,
क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि एक सज्जन मनुष्य वही है, एक आनंदमय मनुष्य वही है जो चाहे उम्र में बढ़ता जाए पर हृदय से सदा बालक ही रहता है। तो ये जो स्कूल है ये हर एक के लिए है और ये ऑनलाइन है, ये महाराज श्री द्वारा सेवा है, इसका कोई निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क है। और आप में से जो भी इस सूत्र शास्त्र और स्तोत्र से जुड़ना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम के बाद बाहर स्टॉल पे अपने नाम अवश्य लिखवा सकते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो आप सब इस लीला के साक्षी बने, आप सबका बहुत बड़ा बड़भाग है। संबंध के हिसाब से तो इस मंच पर जितने थे वो सब मेरे दीक्षित शिष्य हैं, पर उसके बाद भी मैं उन सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये सब शुद्ध वैष्णव भजनानंदी बालक हैं, विविध कार्यक्रमों को करते हैं और सबने एकत्रित होकर इतनी ऊर्जा से, तीन चार दिन से हम दोनों की बात भी नहीं हो पाई ठीक से, और आप उसने बताया कि शायद दो तीन दिन से सब कोई सोया। चार दिन पहले जब मैं काशी कथा से वापस लौटा, कुछ लोग हमारे साथ थे वहाँ, उसके बाद तो इसके जो डायलॉग थे वो लिखना शुरू हुए थे। वैसे तो अनुष्ठान के क्रम से मुझे नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी मेरी धर्मपत्नी इस समय व्रत में है, शयन में है, कुछ पुरुष चरण के क्रमों में है, कोई छोटा सा एकादशी का व्रत कर ले तो भी उसके बाद दो चार दिन नहीं उठता, और उसने ये जो अद्वितीय कार्य करके मुझे जो सुख प्रदान किया है, धर्म के नाते से तो वो मुझे रोज प्रणाम करती है, पर प्रेम के नाते से आज मैं भी उसको प्रणाम। अतः मुझे बड़ा सुख का अनुभव हुआ। मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, हम लोग तो वाक सेवा करते विश्व भर में, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बात शब्दों से परी चली जाती है। आज वो स्थिति शब्दातीत ही है। ये मुझसे कहती तो चिंतित थी, मैंने कहा था कि हम जो कर सकते थे वो हम सब ने कर लिया। इस बार तो संगीत बनाने वाला भी कोई नहीं था, ये जो सब संगीत भी आपने उसमें देखा वो सब इन बालकों ने और विशेष श्रीमती रेणुका गोस्वामी ने अपने हाथ से बनाया। मुझे जो मैं आज खुद देख नहीं रहा था, पहली बार ही मैंने देखा, जो सब बालकों ने मुझे खबर दी, और सब ने जो दोनों भावों ने प्रस्तुति करी, मेरी दोनों लालियों ने प्रस्तुति करी, निमाई जो इन सबको प्रस्तुति करने का अवसर देता रहा, वो सबको पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, पर अब आप सब परिवार जैसे लग रहे हैं, तो इन सबको पाके मैं अपना बड़ भाग स्वीकार करता हूँ। अतः श्री भगवान हम सबको ऐसी ही अनंत प्रेरणा देता रहे। आज आप कईयों ने यहाँ कलाकार देखे होंगे, कईयों ने बालक देखे होंगे, पर जिसकी दृष्टि ठीक थी उसने यहाँ साक्षात गौर मंडल का दर्शन किया है। भूमि ठीक हो तो भगवान उतर आते हैं, मन ठीक हो तो भगवान उतर आते हैं, और आज साक्षात ये सब के भीतर भगवान उतर आए, ये सौभाग्य मानिएगा। पीछे चरण पादुका और सामने साक्षात गौर हरि। शायद जीवन की अनंत उपलब्धियों में से ये दिन हम सब के लिए एक शीर्षस्थ हैं। अतः मैंने आपको लीला सुनाई थी कि कैसे गौर अद्वैत आदि राधा कृष्ण बनकर प्रस्तुति कर रहे थे, कल या परसों की कथा में आपने सुना था। आज साक्षात गौर निताई इन बालकों के रूप में लीला कर रहे थे। भगवान की लीला का अर्थ क्या होता है? ये कोई प्रस्तुति नहीं होती, लौल्यम ददातीत लीला। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं समवर्धनम संपोषणम च इति लीला। ये व्याख्या है लीला शब्द की। जैसे एक माँ
बालक का वर्धन करती है और पोषण करती है, उसको बड़ा भी करती है और उसका ध्यान भी रखती है। ऐसे ही श्री प्रभु की लीला हम सबके हृदय में रहने वाली हमारी श्रद्धा भक्ति और विश्वास का वर्धन भी करती है और पोषण भी करती है। इसका प्रसाद, ये जो आपने देखा, इसका प्रसाद मनोरंजन नहीं है, इसका प्रसाद भजन है। अब कल माला लेकर बैठना तो वो अभिज्ञान तुम्हारी चेतना में प्रकट हो सकता है कि कोई कृष्ण प्रेम वदान्य होकर इतना सहज हो सकता है कि मदुरा का घड़ा भी माथे पर फोड़ने के बाद उसको अपने जीवन भर के सदकृत्यों को प्रदान कर कृष्ण अनुराग की प्राप्ति करा सकता है। ये हम सब के हृदय में दया, सहिष्णुता, समादर, स्नेहाधिक्यता को परिपूर्ण करती है। महाप्रभु, मुझे नहीं मालूम यहाँ किसके भजन सफल हुए जो ये सौभाग्य हम सबको बना। सभी बालक मेरे अपने घर के हैं, निमाई पाठशाला से आप सब अपने बालकों को अवश्य जोड़िए। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम लोगों का कोई मिशन है या कोई इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मात्र घर के बालक शास्त्र से सम्मत होंगे, जीवन में विविध प्रकार के स्तोत्र, भक्ति के कंटेंट जिस चीज़ का ज़्यादा होता है आदमी उसी की तरफ आकर्षित होता है, उसके आसपास जैसी ज़्यादा वस्तुएं होती हैं। तो अगर धीरे धीरे आध्यात्मिक वस्तु आसपास होने लगी, अपने आप होने लगी, मानिए घर में बहुत सारी साक सज्जा है तो मन उनको देखेगा और दूसरे के घर में देखेगा तो तुलना करेगा, पर अगर घर में हर स्थान पर श्री ठाकुर जी का मंगल चित्र है तो अनायास भी अपने आप कई बार ऐसा हो जाता है कि मन विचलित हो और आदमी सवेरे दुस्वप्न देखकर उठा हो और सामने श्री बिहारी जी का चित्र देखकर मन ही मन कह देता है, ठाकुर जी मेरी रक्षा करना। उस चित्र को लगाने की सार्थकता बन गई। उसी प्रकार हम सब के जीवन में अगर शास्त्र की विषय वस्तु होगी, उसकी अनुभूति होगी, उसका प्रसंग होगा, उसकी कहानियाँ होंगी, तो हम सबके जीवन में ये अध्यात्म की विषय वस्तु हमें उस पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेगी, बारंबार प्रेरित करेगी। निमाई पाठशाला की ही ये उसी वृक्ष के ये सब फल हैं जो आप सब ने लिए हैं, हजारों बालक उससे जुड़ते हैं, बिल्कुल निशुल्क रूप से उसका प्रावधान होता है।